डॉक्टर बनकर दत्ता जी का इलाज करता दक्ष। पर क्या लुटाता जादू की छपी देता नक्ष। और कभी दत्ता जी के साथ चाय की चुस्कियां लेता नक्ष। भयांश तो पूरा का पूरा सिंघानिया परिवार दादा पोते के इस प्यार पर वारा जा रहा है। और हो भी क्यों ना भाई, अभी अभी तो अपनी प्यारी बहुरानी अक्षरा की बदौलत एक बड़ी परेशानी को मात दी है दत्ता जी ने। अब ऐसे में उन पर प्यार जताना तो बनता है। ने चॉकलेट खा ली थी, डुकू ने उनके लिए चॉकलेट लाई थी और उन्होंने खा ली। आप अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों सेम ही होते हैं, तो दद्दा जी भी एक बच्चे की तरह हैं हमारे लिए इस वक्त। और वो कभी भी कुछ भी जिद करते हैं, कभी भी बोलते हैं उनको वीडियो गेम खेलनी है या कुछ ऐसा बोलते हैं। तो उनको चॉकलेट खानी थी, उन्होंने चॉकलेट खा ली, जिस वजह से आई थिंक वो चॉकलेट उनके विंड पाइप में फंस गई, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा चोक हो गए और वो बहुत ज़्यादा खांसने लग गए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो गई। तो हम वही सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे थे। जी, नक्ष की लाई चॉकलेट बन गई थी दत्ता जी के लिए जी का जंजाल। वो तो भला हो अक्षरा का जिसने वक्त रहते कर दिया ऑल इज वेल। उन्होंने वो चॉकलेट खा ली थी तो उनके गले में वो फंस गई थी, तो उनको सांस लेने को नहीं हो रहा था, तो वो बचे बचे बच गए। फिर सुपर हीरोइन मामा ने उनको बचा लिया। फिर वो उनकी मुंह से टॉफी निकली। मैं तो अक्षरा तो कुछ भी कर सकती है, मेरे को ऐसी थोड़ी क्रिश बुलाते हैं। भाई वाकई अक्षरा, आज एक बार फिर आपकी समझदारी ने सभी घर वालों का दिल जीत लिया और रही सही कसर पूरी कर दी नक्ष के लाड दुलार ने। अक्षरा ने कुछ ऐसा किया जिससे कि दादाजी की जान बच गई ऑलमोस्ट। उन्होंने थापी देते रहे जिससे कि दादाजी की वो टॉफी गले से बाहर आ गई। अभी ठीक है, दोनों दादा पोता बहुत मस्ती कर रहे हैं आपस में, वो इसको बचा रहा है वो इसको बचा रहा है, ऐसा कुछ चल रहा है। चलिए जी, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो ऐसे में गर्मा गर्म चाय तो बनती है ना। तो जी, सिंघानिया परिवार की यही प्यार और एकता इन्हें बनाती है टीवी पर की फैमिली नंबर वन। अक्षरा और नैतिक फिर बने जोड़ी मेकर। मुस्कान और आलोक की बनाएंगे जोड़ी। जी हाँ, भाभी अक्षरा ने ढूंढ ली है ननद मुस्कान की खुशियों की चाबी और पढ़ ली है उसके दिल की बात। सबसे बड़ा मुस्कान क्या मालूम से क्या करती और वो करती अपने चेष्टे के लिए कितनी थी। भाभी का पूछना था और मुस्कान ने उन्हें बना दिया अपना पूरा हॉलीवुड। क्या साफ साफ कह दिया वो सिर्फ आलोक से प्यार ही नहीं करती बल्कि उससे शादी भी करना चाहती है। अब हमारी अक्षरा मैडम तो ठहरी परफेक्शनिस्ट, तो उन्होंने आओ देखा ना लाओ और लाद दिया सीधे आलोक पर सवाल कि क्या वो पूरी जिंदगी उनकी ननद का रखेंगे ख्याल। आलोक की रजामंदी मिलते ही प्यार का ये मुकदमा पहुँच गया नैतिक की अदालत में। और जो बीवी और बहन से करे प्यार तो उनकी बातों से भला कैसे करे इनका। ने भी लगा दी मुस्कान और आलोक के प्यार पर अपनी मुहर। जी हाँ, ऐसा मुझे एक बात पता चलती है जब मैं घर आता हूँ। अक्षम से कुछ कहना चाह रही होती है लेकिन मैं अपनी धुन में ही बातें करता रहता हूँ और फाइनली अक्षम मुझे बताती है कि आलोक और मुस्कान एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सो इट्स अ सरप्राइज फॉर मी। मैं भी थोड़ा सा शॉक हो जाता हूँ और एक डर यही बैठता है कि क्या ये एक्चुअली हो रहा है, इज इट रियल। क्या वो, ऑफकोर्स हम आलोक को जानते हैं, अच्छा लड़का है एंड मुस्कान बहन है, तो एक जिंदगी भर के लिए वी वांट टू बी वेरी श्योर। आपके
की सोच बिल्कुल सही है ना विक। वैसे ये बताइए, आपने और अक्षरा ने तो इस रिश्ते को रजामंदी दे दी, पर घर वालों से इसकी बात कैसे करेंगे? घर वालों के सामने किस तरह बात रखें ये सोच रहे हैं, मौका मिल नहीं रहा है। लेकिन अभी आप इस सीन में देख सकते हैं कि हम लोग ऑलमोस्ट एक दूसरे को इशारा करते हैं कि हम लोग इस बारे में बात करते हैं, बड़े ऑलरेडी उस बारे में बात करते हैं कि लड़की की शादी हमें करवानी चाहिए। तो मौका बस मिल ही रहा होता है कि रमा बहन आ जाती है ये सब कुछ डॉक्टर लक्ष्मी कि उसे भी अपने लिए एक जीवन साथी चुन लेना चाहिए। जी हाँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बहुत जल्द बजने वाली है एक साथ दो दो शहनाई। एक तरफ अक्षरा और नैतिक मुस्कान और आलोक की जोड़ी बनाने में थी, तो वही बाकी घरवाले करवाना चाहते हैं रश्मि का पुनर्विवाह। कहीं ना कहीं खुश इस बात से हैं कि दोनों बहनों की अगर शादी हो जाए तो किसी खुशी नहीं, लेकिन अब आगे देखेगा कि एग्जैक्टली होता क्या। बिल्कुल सही नैतिक, ये ठहरी सीरियल वाली शादी, भला इतनी आसानी से कैसे हो सकती है? अभी तो बस शादी की बात चलिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। अक्षरा और नैतिक का प्यार वाकई में पाकीजा है, क्योंकि उसमें खुद से ज्यादा घर वालों के लिए प्यार छुपा है। और ये घर वालों का अक्षरा नैतिक के लिए रिटर्न प्यार ही है कि आज घर वालों ने अक्षरा और नैतिक के हाथों को बांध दिया। और आज सुबह जब अक्षरा उठी तो जाकर भी वो अपने और नैतिक के इस बंधन को खोल नहीं पा रही थी। और नैतिक जी वो तो बेफिक्र होकर कुंभकर्ण की नींद सो रहे थे। स्कूल का टाइम हो रहा है, जब टिफिन बना के दूंगी उसे स्कूल के लिए रेडी करूंगी तब जाएगा ना। घर वालों ने बांधे थे क्योंकि हम रात को काफ़ी टाइम तक काम कर रहे थे और मैं एज यूजुअल सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, चाहे 4 बजे भी क्यों ना सोई हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। तो इस वजह से मैं उठने जा रही थी तो घर वालों ने मेरे को बांध दिया था नैतिक के साथ की ताकि मैं कहीं जा ना पाऊँ। अक्षरा ने काफी कोशिश की लेकिन जब उनके हाथ नहीं खुले तो वो भी मजबूर होकर लेट गई। रोज सुबह 5 बजे उठने वाली अक्षरा को आराम दिलाने के लिए ये घर वालों का ही तरीका था। आए तुम ही हो इस पूरे घर में जो टिफिन बनाना जानती हो, हमें तो पता ही नहीं कि नक्श क्या खाता है, वो क्या ले जाता है। और आज तो भाभी माने अक्षरा और नैतिक की खूब खातिरदारी भी की, जूस भी पेश किया गया और रेस्ट करने के लिए भी कहा गया। मैंने कहा था मुन्ना से, नैतिक तुम मान थोड़ी ना लेती। अक्षरा नैतिक तुम दोनों आराम करो, वाह, भगवान ऐसे घर वाले सभी को दे। अरे कैसे सो जाए भाभी माँ, आप लोगों के मिस कम्युनिकेशन की वजह से घर में मुस्कान आलोक और रश्मि का एक नया लव ट्रायंगल शुरू हो गया है। पहले पता चलता है कि आलोक और मुस्कान एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घर वालों से किसी तरह बात करें। हमें नहीं पता है ये लव ट्रायंगल बन गया, अभी लव ट्रायंगल तो नहीं, रश्मि की साइड से कुछ नहीं है, बट अभी रश्मि भी इन्वॉल्व हो गई है तो एक ट्रायंगल ही बन गया है। और जिस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं, आलोक को पसंद किया जा रहा है रश्मि के लिए और आलोक पसंद करते हैं मुस्कान। अरे अक्षरा और नैतिक आपसे मुस्कान और आलोक के रिश्ते की बात करने आए थे और आपने तो आलोक और रश्मि की बात छेड़ दी। प्लीज अक्षरा नैतिक मैच मेकर कंपनी के साथ ऐसा मत कीजिए। और अक्षरा जी अब आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मुस्कान का चेहरा उतर चुका है और वो बलिदान देने के पूरे मूड में है। तो इस बार अगर आपने इनका प्यार इन्हें दिलवा दिया तो समझ लीजिए कि दुनिया को जीत लिया। मुंबई से साधना भदौरिया के साथ आज तक ब्यूरो।